ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददा ईश्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित वैष्णव भक्त वृंदा को मेरा दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मैं जो महाराज से सुनी हूँ मैं उसको कैसे दोहरा सकती हूँ, तो उसके लिए आप सभी का कृपा और प्रार्थना मेरे ऊपर चाहिए। महाराज जो समुद्र मंथन लीला जो मैं महाराज से सुनी हूँ, महाराज भी बोले हैं कि वो भागवतम, वो वैष्णव तो वो है जो भागवतम के ऊपर जिसका श्रद्धा है वो वैष्णव है। तो महाराज भी अपना श्रेय वो राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज को देते हैं कि महाराज वो बचपन से वो उनको भागवतम प्यार है। तो जिसको भागवतम प्यार है वही भागवतम कथा कर सकता है। तो और मैं उससे जो भी महाराज से सुनी हूँ वो तो दोहराने का मेरा योग्यता नहीं है, पर फिर भी वो मेरा शुद्धता और मुझे उसमें बहुत लाभ मिला है। मैं उसके लिए जो कुछ मुझे रियलाइज हुआ है मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप सभी का कृपा मुझे मेरे ऊपर चाहिए। तो जो समुद्र मंथन लीला है वो महाराज बता रहे हैं कि वो हमारा ही जीवन कहानी से वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम तो 16 माला जपा करते हैं तो हम तो भगवत धाम जा सकते हैं, तो हम और ये जो भागवतम बाकी प्रवचन ये सारे सुनने का क्या जरूरत है। हम तो हमें बोले हैं कि 16 माला में हम जा सकते हैं, पर महाराज बोले कि उसके लिए 16 माला तो काफी है, पर 16 माला हम करके हम अच्छे से कर नहीं सकते ना, इसीलिए हमें भागवतम को पढ़ना चाहिए। तो ये जो समुद्र मंथन का हर हर एक एक लाइन में महाराज कैसे हमारा एग्जाम्पल दे के वो हमें हमें समझा रहे कि भगवान का कृपा का कितना जरूरत है। जैसे पहले वो जब इंद्र को भगवान ने बोले हैं कि तुम जाके बलि महाराज से मिलो और उनसे क्या उनका ओपिनियन लेके आओ ताकि हम समुद्र मंथन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी भगवान ने ही इंस्पायर किया है उनको। वो इंद्रदेव का कोई इच्छा था नहीं। तो फिर जब वो जब मिल के आए हैं फिर उनका मन में भी जब बलि महाराज हाँ बोले, वो इंद्रदेव का बात सुन के हाँ नहीं बोले, वो सुन के वो क्या सुने कि भगवान ने हम हमें भेजे हैं, तो भगवान का नाम सुन के बलि महाराज वो हाँ बोले, उसके लिए राजी हो गए वो प्रस्ताव के लिए। फिर जब उन्होंने मद्राचल पर्वत को भगवान ने भेजे हैं लाने के लिए, वो उन्हीं का शक्ति पे गए हैं। महाराज बता रहे हैं कि वो पर्वत कितना भारी है वो उनको उठा नहीं सकते, पर फिर भी वो जाके उनको उठाए थे। पर वो किसका एनर्जी है, वो देव और दानव का एनर्जी नहीं था उसमें, वो उसमें भी भगवान ने खुद उनका एनर्जी उनको दिए हैं ताकि उनको वो पर्वत को उठा सके। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने लेके आए पर उनसे वो सहा नहीं गया तो वो पर्वत को उन्होंने छोड़ दिए, तो उसी में भी बहुत सारा मर गए, वहां बहुत देव दानव सब मर गए। तो भगवान का कृपा आया इनके ऊपर, जब कृपा आया भगवान ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि जब दिए हैं तब जितना मरे हुए थे सब उठ गए। पर उससे पहले क्या किया, भगवान अपना गरुड़ को लेके आ गए साथ में। जब गरुड़ को लेके आए हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि गरुड़ को जब लेके आए हैं, गरुड़ उन भगवान ने पर्वत को उठाया, पर्वत भी उन्हीं के ऊपर रख दिए, वो खुद भी बैठ गए और सारे देव देवता सभी को उन्हीं के ऊपर ही बिठा दिए, फिर लेके आ गए यहाँ खीर समुद्र के पास। जब ऐसे हुआ कि यहाँ क्वेश्चन आता है कि ना गरुड़ इतना कैसे उठा सकते हैं, वो तो एक पक्षी है, तो बोले कि भगवान वो गरुड़ नहीं उठा रहे थे, गरुड़ के ऊपर भी भगवान ही उनका शक्ति दिए है
वो नहीं तो भगवान को कौन उठा सकता है। तो वो हर एक लाइन में भगवान का उनका शक्ति कैसे है वो संचित करते, क्यों संचित करते हैं, वो दानव के ऊपर ऐसे नहीं करते। पर वो जब वो समुद्र मंथन जब लीला स्टार्ट हुआ तो उससे पहले भगवान का ऐसे कुछ उनके ऊपर क्या दानव के ऊपर उनका कोई ऐसे प्रतिद्वंदी मनोभाव नहीं था। पर दानव यहाँ में भगवान चाहते थे कि दोनों को सही मिलना चाहिए। तो जब फिर जब मद्राचल पर्वत को लेके आए हैं तो वहां भी भगवान ने खुद अजित भगवान रूप में वो आए थे। और जब मद्राचल पर्वत को लाए हैं फिर वो गरुड़ को बोले कि तुम जाओ अभी, तो गरुड़ ला के वहां पर्वत रख दिए, फिर वो वापस चले गए। तब फिर वासुकी को बुलाए हैं, वासुकी को जब बुला के लाए हैं फिर उनका अभी भगवान बोले कि अभी शुरू करो पर्वत मंथना, अभी शुरू करो। पर ऐसे हुआ कि पर्वत फिर डूब गया क्योंकि वो उसके लिए कुछ क्या नीचे कुछ चाहिए, नहीं तो वो उतना भारी है वो तो डूब जाएगा उसके अंदर क्योंकि मीठी रहता है। तो इसीलिए तो फिर महाराज बोले हैं कि उसमें भी भगवान ने खुद उनको कूर्म के रूप में अवतरित करते वो खुद वहां आ गए। मतलब दोनों अवतार यहाँ अभी अभी हो गया, या अजित भगवान हो गए फिर कूर्म अवतार हो गए। जब कूर्म अवतार हुए थे तब वो मद्राचल पर्वत फिर थोड़ा वो फिर ऊपर आ गया ताकि उनका चिंता थोड़ा सा हल हो गया कि हाँ वो जो मद्राचल पर्वत जो नीचे डूब रहा था फिर वो बच गया, फिर वो ऊपर आ गया। तो फिर भगवान बता रहे अभी शुरू करो, तो फिर अभी भी उनके पास कोई ताकत नहीं था। तो फिर भगवान ने खुद उनको वो राजसिक गुण के हिसाब, राजसिक गुण उनका जो भगवान का जो शक्ति है वो राजसिक शक्ति वो दानव के पास छोड़े हैं और वासुकी के पास तमोगुण वो दिए हैं। फिर खुद को सत्वगुण में खुद को बनाकर वो देवता के पास दिए हैं ताकि वो उन्हीं सभी ने एनर्जेटिक हो गए। अभी तो मंथ सकते हैं, अभी भी मंथ जब शुरू किया तभी भी मंथरा नहीं हुआ था क्योंकि भगवान ने खुद नहीं हुए थे उसी टाइम। तो फिर वो भी मद्राचल पर्वत को दोनों देव दानव लगे हैं पर कोई हिला नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने खुद वो हाथ लगा के वो मद्राचल पर्वत को वो चरणिंग करने लगे। तब यहाँ भगवान का इतना सुंदर रूप का यहाँ महाराज बता रहे वो भागवत में श्लोक है, मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्युत विद्यु मूर्धि ब्रजोदि लोलिता कचह श्रद्धोर रक्त नेत्र जैत्रेन्द्र विजगत भय दैन्दर दशु कंगृहीता मथन मथना प्रतिगिरिवा शोभताथ द्रुणाद्रि। महाराज बता रहे यहाँ भगवान ने उनका वर्ण श्याम, घन श्याम मेघ वर्ण था, नया नया जैसे मेघ वो बादल शुरू होता है वो बहुत सुंदर कलर, वो तो भगवान का कलर यहाँ बता रहे। और कनक परिधि वो येलोइश वस्त्र वो पहने हुए है, और कर्ण में उनका जो कुंडल है वो लाइटिंग जैसे उनको वो बहुत ही लाइटिंग दे रहा है, और उनका जो सिर में जो बाल है वो बहुत ही करली है, और उनका जो आंख है वो रक्त नेत्र बोलते हैं। रक्त मतलब वो गुस्सा में नहीं देखते हैं उनका, इसीलिए हमारा भगवान जी का भी सारा मतलब राधा और कृष्ण उनका आंख में लाइटिंग थोड़ा सा लाइट के कलर्स का पिंक भी साइड में रहता है क्योंकि उसी में वो कृपा दृष्टि देते हैं उनका कलर्स, और उनको लोटस फ्लावर के जैसे कंपेयर किया हुआ है इसीलिए उनका नेत्र को रक्त नेत्र बोलते हैं यहाँ। फिर वो उनका जो भुजा है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही उनका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे, तो वो बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग वो भुजा में वो क्या किए वो जो मंथन करने का वो डंडा है वो जो वो डंडा को वो जो रस्सी जो है वो डंडा को पकड़े हैं भगवान ऊपर बैठ के, और जो क्या जो बासुकी को वो खुद पकड़ के वो जब मंथना शुरू किए तब मंथना ये वो हुआ है। जब मंथना शुरू किए तब क्या हुआ वहां वासुकी वो हैरान हो गए, वो क्या है वो सांस लेने लगे। जब सांस ना लेने लगे वो बहुत ही विष, उनका विष भरा हुआ सांस वो निकल रहा था। जब विष भरा हुआ सांस निकल रहा था
तो महाराज बता रहे थे कि भगवान ने एक्चुअली उनका जो बासुकी नाग का वो सिर का पकड़े, सिर का जो क्या बात है वो पकड़े थे, पर वो असुर लोगों को लगा कि नहीं वो हमारा क्या है, हम भी इतना बड़े फैमिली से आए हैं, हम भी बहुत पढ़ाई करे हुए हैं, तो हम क्यों ये पूंछ क्यों पकड़ेंगे। पूंछ का मतलब वो मानते हैं कि अशुभ है, और उनका जो जो उसको शुद्ध नहीं मानते, और उनका जो स्टेटस के ऊपर उनको मतलब क्या लो आंच आ जाता है, इसीलिए वो पूंछ को नहीं पकड़ना चाहते। तो फिर भगवान को पता चला कि ये लोग ऐसे है, उनका दिमाग ही ऐसे है, तो इसीलिए जस्ट अल्टरनेट चेंज कर लेते। तब वो असुर के सामने वो उनका सिर का पार्ट जब आया है, तब जब सांस लेगा उसी से ही आएगा सांस, तो जब उसी से आया तो महाराज वर्णन कर रहे थे कि जैसे दावा भी लगा हुआ है जंगल में, तो कैसे होता है जस्ट पैर गिर के वो आग में जस्ट गिरता है। तो दानव लोगों का हालत इतना बुरा था, पर भगवान का इतना कृपा है कि देवता लोगों को इतना बुरा हालत नहीं हुआ था। महाराज बता रहे क्या फोड़ आ जाता है, जैसे हमारा ऊपर गर्म पानी पड़ता है और फोड़ आता है, जस्ट वो प्लेन है, वो खराब ठीक हो जाएगा, पर वो कैसे है इसलिए कि क्योंकि भगवान ने खुद अपना भक्तों का इतना ध्यान देते हैं। जब उनको फिर भी भगवान ने देखे हैं कि देवता लोगों का कपड़ा भी मलिन हो गया, और उनका जो ताकत है वो खत्म होने के जैसे है, वो भी थोड़ा सा कमजोर हो गया जैसे, तो फिर महाराज बोले कि तुरंत भगवान ने क्या किया, समुद्र के साइड से बहुत ही अच्छा से कूल हवा बहना लगे और ऊपर से बहुत बारिश हुआ ताकि उनको एनर्जी आ जाएगा, तो देवता लोगों को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भगवान का भक्त थे। भगवान का भक्त रहने से कितना फायदा है महाराज, एक एक लाइन में वो बता रहे थे। तो फिर जब ये हुआ है, जब बारिश हुआ है, सभी ने एनर्जेटिक हो गए, फिर मंथन शुरू हुआ। जब मंथन हुआ इसमें तो फिर पहले 20 निकला, तो फिर 20 जब निकला तो सभी को परेशान हो गया कि 20 अभी निकला तो फिर इसको इसको क्या करें, ये इतना हलाहल 20 था। तो फिर वहां तो भगवान खुद वो विराजमान थे, तो भगवान उसको निकाल वो पी के उसको उसको टाल सकते थे, पर उसने उन्होंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि वो उनका श्रेय भगवान शिव जी को देना चाहते थे। जब शिव जी को वो देना चाहते थे तो फिर भगवान ने ही खुद उनको इंस्पायर किया कि तुम लोग जाओ शिव जी के ऊपर प्रे करो। जब देवा देवता और दानव सभी ने गए वो 20 को टल करने के लिए, तो फिर वो जब शिव जी के पास गए हैं, शिव जी वहां ध्यान में थे, तो शिव जी को प्रार्थना करते करते वो बोले, एतत् परं प्रभु श्याम न परं ते महेश्वर मूढ़नाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्त कर्मणः। हे भगवान, हे शिव जी, हम आपका स्वरूप को हम नहीं जान सकते, आपका जो आपका कार्यकलाप को हम नहीं समझ सकते, पर आप जो है वो महेश्वर है, आप उसको आपका हल आप अभी निकाल सकते हैं। तो फिर शिव जी अभी जब ये सुने हैं तो शिव जी पार्वती को बोल रहे, अहो बत भवन्योतित प्रजनांग पश्य वैशसम क्षीरो दो मथनो भूता कालकुटा द्रुपस्थितम। तो बोले यहाँ महाराज बता रहे अहो बत, मतलब वो पार्वती का संबोधन कर रहे, वो महाराज बता रहे कि ये स्त्री को, मतलब वो सभी स्त्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो जो सती थे वो जो स्त्री उनका साथ हमेशा देते आ रहे, तो उन्हीं को कैसे संबोधना करना चाहिए, और उनको कहीं जाते तो बताना भी चाहिए, महाराज उसका भी इम्पोर्टेंस यहाँ बताए हैं शिव जी को, जब पार्वती को संबोधन करते थे। और अभी यहाँ पार्वती को बता रहे, पुंसं पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिः प्रीते हौर भगवती प्रियेऽहं सचराचरः तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानं स्वस्तिरस्तु मे। हे भवानी, हे गौरी, मैं जो ये जो परोपकार करना चाहती हूँ इससे मैं क्यों करना चाहती हूँ, ये जो विष का पान, क्योंकि मैं भगवान को खुश करना चाहती हूँ। तो हमारा हर भक्त, क्योंकि भगवान शिव जी कौन थे कि वो वैष्णव थे, तो वैष्णव हमेशा क्या चाहते थे कि भगवान को खुश करना चाहते थे। तो इसके बाद भगवान ने वो पार्वती ने उनको परमिशन दिए और भगवान भी गए हैं, तो जाके वहां बीच को कैसे किया, ततः करतली कृत्य व्यापी हला हला विषम अभय नो हा देव कृपया भूत भावना।
वो जो जो पात्र में जो विष आया था, भगवान ने शिव जी उसको उठा के नहीं पिए थे। वो उतना सारा विष अपना करतल में वो लाके वो पूरा छोटा सा कम कर दिए थे, कम करके उसको पीने लगे। जब उसको पीने लगे, जब जब वो पी रहे थे, तब भगवान शिव जी का वो गला तक आया है। जब गला तक आया था, महाराज यहाँ बता रहे थे कि हिज होलीनेस गोरगुन से महाराज बता रहे थे, पंचमुखी रामा नामा करे त्रिपुरारी। वो पंचमुख में उनका हमेशा राम का नाम रहता था। तो जब शिव जी ने वो विष लाए हैं, तो वो विष को वो अंदर नहीं छोड़े हैं, वो गला तक रख देते, क्योंकि वहां उन्होंने राम नाम का उच्चारण कर रहे थे। जब यहाँ राम नाम का उच्चारण हो रहा था, वो विष के लिए उनका जब कंठ नील हो गया था, उसके लिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। पर उसके वो विष को वो अंदर नहीं लिए थे, वो जब राम नाम ले रहे थे, वो राम नाम से उसको शुद्ध कर दिए थे, वो अमृत बना दिए थे वो गला में उनका, कंठ में। तब यहाँ महाराज बता रहे कि हमें भी कैसे तत्पर रहना चाहिए, और जो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, तो वो कितना एनर्जेटिकली करना चाहिए। क्योंकि शिव जी भी वहां भी वो भी वहां भगवान का नाम ले रहे थे, पर जब सेवा का उनका आया कि करना है, तो कितना वो मतलब कितना जोर से उनका जो मन भाग गया, और तुरंत उठ के वहां आ गए। मतलब वो हमें करना चाहिए। और समुद्र मंथन का सार में महाराज बता रहे, जब देवता लोगों को सब कुछ मिला है समुद्र मंथन करके, जब विष निकल गया, बाकी सब कुछ एक एक करके सब हीरा नीरा रत्न उनको बहुत सारा मिल गया, पर महाराज बता रहे कि देवता लोग उसी में खुश नहीं रहे, क्योंकि उनका एम्बिशन कुछ दूसरा था। उनका एम्बिशन हुआ भगवान को खुश करना है। जब हम भी भक्ति करें और हमारा एम्बिशन एक है, हम कैसे भगवान का सेवा करें? भगवान का सेवा हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो वो भक्तों का सेवा के लिए हम जब करेंगे, हमें आलसी आएगा और बहुत सारा चीज आएगा बीच बीच में, तो फिर हमको उसको तोड़ के हमें जब आगे जाएंगे, तब हमारा हाई एम्बिशन वो फिर फुलफिल होगा। तो ये एक्चुअली बहुत ग्रेट थिंग से वो महाराज बोले, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायर्ड है। और मुझे उसके बाद ही लगा कि भागवतम को पढ़ना चाहिए, महाराज जिस थ्रो में बता रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी का धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैंने बहुत टाइम ले लिया, इसके लिए भी माफी चाहती हूँ। सॉरी, हरे कृष्ण।